दी ब्रोकन न्यूज़नी सीजन 2 ना प्रमोशन माटे सोनाली बेंद्रे अने श्रिया पिलगांवकर शहरनी मुलाकाते। जी फाइव ना खूब प्रशंसा पामेला शो दी ब्रोकन न्यूज़नी बीजी सीजननी आतुरतापूर्वक राह जोवाई रही छे। सीजनना मुख्य कलाकारों सोनाली बेंद्रे अने श्रिया पिलगांवकरे ताजेतरमां ज आगामी सीजनना प्रमोशन माटे अमदावादनी मुलाकात लीधी हती। सच्चाई की ये है, मीडिया है, पावर एज एन एडिटर ऑफ अ चैनल है एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन जैसे आप सेकंड सीजन शुरू हो जाता है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ उसके बारे में कि उतना आसान नहीं है राधा को बेल मिलना। और कहीं पे उसका बहुत बड़ा कारण दीपांकर और जोश का कैंपेन भी है। तो जब इतनी बड़ी बात हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें जैसे आँखें खुलने जैसा है अमीना के लिए कि वो सोचती है कि क्या वो एक टाइम की जो पावर हाउस थी, क्या वो स्टिल वो पावर हाउस है? क्या चेंज हो रहा है? क्या सिर्फ चैनल्स चेंज हो गए हैं, ज़रूरतें चेंज हो गई है, या क्या लोगों का नज़रिया चेंज हुआ है? तो वो भी खुद से बहुत सारे सवाल पूछती है। जब राधा निकल के आती है तो राधा खुद तो वो जो चेंज है उसके निकल के आने के बाद, इन सब चीज़ों से अमीना खुद भी चेंज हो रही है। उसके पास ऑप्शन नहीं है चेंज होने के अलावा। सवाल खुद से सवाल पूछ रही है कि मैंने ये क्यों किया था, ये करियर में मैंने सब कुछ मेरा जो दे दिया, क्या मैंने सही किया? वो सारे लेयर्स और खुलते हैं अमीना के कैरेक्टर। थर्ड को रिलीज होने वाला है एंड हमको एक बहुत अच्छा ये फीडबैक मिला था ड्यूरिंग सीजन 1 कि इट फोर्स्ड पीपल टू क्वेश्चन कि हम कैसे न्यूज़ देखते हैं। जब हम नाम की एक चीज़ है जहाँ पे व्हाट्सएप पे बहुत कॉन्फिडेंटली न्यूज़ शेयर किया जाता है, कभी कभी लोग मान भी लेते हैं। हेट फैलना ज्यादा गुड थिंग। सो जब हम ये शो देखते हैं तो हम खुद के बारे में भी बहुत चीज़ें जानने लग जाते हैं, यू नो कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर वी। वो करने में मज़ा आता है, उसके बारे में समझने में मज़ा आता है। शो ख़त्म हो जाता है तब थोड़ा सा एक आप थोड़े ग्रो हो जाते हो। चैलेंजेस कैरेक्टर के नहीं थे, चैलेंजेस इस बात के थे कि बहुत सालों के बाद मैं फिक्शन कर रही थी और दुनिया बहुत बदल चुकी है, वो